नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में मई के महीने से ही तनाव बना हुआ है। नया राजनीतिक नक्शा जारी करने की 3 महीने बाद नेपाल ने फिर एक ऐसी हरकत की है जिससे भारत का गुस्सा बढ़ सकता है। नेपाल ने अपने स्कूलों के नए पाठ्यक्रम में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को अपना हिस्सा बता दिया। पाठ्यक्रम के अलावा नेपाल ने अपनी मुद्रा में भी बदलाव किया है और उसने उत्तराखंड के कई हिस्सों पर अपना दावा जताया है। नेपाल के शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल ने इस बात की पुष्टि की है कि नेपाल में 11वीं 12वीं की भूगोल की किताब नेपाल को भूभाग रा सीमा संबंधनी स्वाध्याय सामग्री नाम की किताब में काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। इस किताब की प्रस्तावना खुद नेपाली शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल ने लिखी है। इस किताब में ही उत्तराखंड के काला पानी जो कि विवादित हिस्सा है उसे नेपाल की सीमा में दिखाया गया है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल की कैबिनेट जिसके मुखिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने देश के सेंट्रल बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक को अनुमति दी है कि वो 1 और 2 रुपए के नए सिक्के जारी करे। इन सिक्कों पर नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा होगा। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार के प्रवक्ता और विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली की तरफ से इन नए कदमों के बारे में ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि नए सिक्कों का चलन दशहरे से शुरू हो सकता है। पिछले साल नवंबर में भारत की तरफ से नया राजनीतिक नक्शा जारी किया गया था। इस नक्शे में भारत ने काला पानी को उत्तराखंड में दिखाया था। इस नक्शे का नेपाल की तरफ से विरोध किया गया था। इसके बाद इस साल मई में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिथौरागढ़ में लिपु लेक रोड का उद्घाटन किया, उसके बाद से ही नेपाल भड़क गया। नेपाल की संसद ने नया नक्शा पास किया जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपु लेक और काला पानी को अपने हिस्से में दिखाया गया था। इसके बाद नेपाल की सरकार ने कहा था कि इस नए नक्शे का प्रयोग नेपाल के हर डॉक्यूमेंट में होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।